हैं अगली खबर की ओर। भवानीगढ़ की नाभा रोड स्थित धर्मकंडा में एक युवक पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हालात गंभीर होने पर युवक को पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मौके पर जानकारी देते हुए धर्मकंडे के मालिक ने बताया कि मेरा बेटा शाम के वक्त धर्मकंडे से घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि तभी कुछ अज्ञात लोगों ने आकर उस पर हमला कर दिया और कैश काउंटर से पैसे भी छीन लिए। जानकारी मिलने पर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी तो वहीं पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज भी पेश की गई। इस मौके पर जानकारी देते हुए एसएचओ भवानीगढ़ ने बताया कि मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। संगरूर से गुरविंदर सिंह की रिपोर्ट। कंडे का काम करता ना स्क्रैप का काम करता जी। कल शाम को 7:30 बजे करीब अनफियासी 7-8 बंदे मोटरसाइकिल सवार होके आए ने, जिड़े कि मेरे आनसार बेटे कुटमार की। तो मेरा बेटा इस टाइम बहुत हालात गंभीर है, जिन्हें रजिंद्रा च ट्रांसफर कर किया गया। एक उन्होंने सट्ट है सिर च, एक बांह ते है जी। जाते हुए मतलब आ हथियार है जिहड़े कि आ मेरे लवे ये टुकड़ा टोटा ये पेटा नाल मेरे बच्चे को कुटते रहे ने। मेरी सरदार भगवंत सिंह मान वालों मुख्यमंत्री नूं बेनती है कि इहो जिहे गलत अंसरां नूं रस पाई जाए ताकि अगे तो यह कोई अणहोनी ना हो जाए। यह डंडा मेरा इस जो उन्होंने मेरे बेटे ने कुटते रहे ने उहदे विचों यह टुटिया होया है। ठीक है जी। कितने जाने आए सी तकरीबन कोई शाम का टाइम जी 4 मोटरसाइकलों से आए थे, जिन्हों विचों एक मोटरसाइकिल मेरे कब्जे च भी हैगा, वह मोटरसाइकिल छड्ड के भज गए ने। साडे को रजिंद्रा अस्पताल पटियाला चों तलाह आई सी राकेश कुमार पुत्र जग्गा राम वासी गांधी नगर जिहड़ा रजिंद्रा अस्पताल च दाखिल है, जिहदे ते साडे अमनदीप सिंह ASI जा के उहदे बयान लैके आए हैं। बयानों के मुताबिक जो भी कानून मुताबिक बनती कार्रवाई वो तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।